वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि ये वही नोएडा है जिसकी पहचान कभी सरकारी मालों की लूट खसोट और अराजी माफिया के तौर पर होती थी, मगर आज नोएडा की शनाख्त मेक इन इंडिया के हब के तौर पर हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि वाकई मेरा मुल्क और मेरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम के मुताबिक आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मोबाइल बनाने वालों में दूसरा मकाम पर है। उनके मुताबिक साल 2014 से पहले मुल्क भर में मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां सिर्फ दो थी, मगर आज मुल्क भर में मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां 125 हैं। क्यों? वो भी कुछ दिन थे जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले नए नए खेल, जमीन आवंटन में होने वाले घोटालों की वजह से बनी। जब भी नोएडा की बात आती थी, आवाज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और परियोजनाओं, रोजगार के नए अवसरों से है। मेरा देश, मेरा उत्तर प्रदेश वाकई बदल रहा है।